अभी हाल ही में आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 यानी कि 2021 जारी किया गया है, जिसे आप लोग वैश्विक भुखमरी सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। अगर इसे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि हमारे पड़ोसियों से भी हमारी स्थिति बुरी है। पाकिस्तान से तुलना कर लीजिए आप लोग, नेपाल से तुलना कर लीजिए, चाइना से तुलना कर लीजिए या बांग्लादेश से तुलना कर लीजिए। और आप सभी लोगों को ये भी मालूम होगा कि जो भी इस तरह की रिपोर्ट जारी की जाती है, जो भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं, इनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। और इसीलिए कहता हूं कि कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करें उसके देख लिया करिएगा। इससे क्या होता है कि आप लोगों को मालूम चल जाता है कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस इंडेक्स को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं और सभी देशों की रैंकिंग भी देख लेते हैं। खासकर इस तरह के टॉपिक से आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस इंडेक्स को यानी कि इस सूचकांक को जारी कौन करता है, इसमें भारत की स्थिति क्या है, पिछले साल भारत की स्थिति क्या थी, किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, और भी आप देखिए पड़ोसियों हमारे पड़ोसियों की स्थिति क्या है इस इंडेक्स में यानी कि रैंकिंग में, या फिर आप देखिए टॉप पर कौन से देश बने हुए हैं। इन्हीं पॉइंटों को मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में से 111वें स्थान पर प्राप्त हुआ है, और अगर हम लोग 2020 की बात करें तो भारत 94वें स्थान पर था। इसे आप लोग एक उदाहरण के जरिए बहुत बेहतर तरीके से मुझे लगता है समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आपकी क्लास में 116 बच्चे हैं, कितने 116 बच्चे हैं, और आप देखिए कि आपकी रैंकिंग तय की जाती है और उसमें से आपको 101वां स्थान मिलता है। अब आप ही बताइए कि आपकी स्थिति अच्छी है या क्लास में सबसे बुरी है। तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि आपकी 101 यानी कि आपकी स्थिति बहुत बुरी है। और याद रखिए पिछले साल से भी हमारी स्थिति और नीचे गए हैं हम लोग। चलिए पिछले साल तो हम लोग 94वें स्थान पर थे और इस बार हम लोग 101वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। और डायरेक्ट ही आप देखिए वनडे एग्जाम में आपका ये क्वेश्चंस बन सकता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में अगर हम बात करें तो वार्षिक रिपोर्ट है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाती है। अगर हम लोग इन दोनों संस्थाओं के बारे में बात करें तो जो आपकी कंसर्न वर्ल्ड वाइड है इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको आयरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी आपकी है वेल्थुंगर हेल्प, इसकी स्थापना भी आप देखेंगे 1962 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना 1962 में। ये दोनों क्या करते हैं कि मिलकर इस इंडेक्स को जारी करते हैं। और आप याद रखिए यह पहली बार 2006 में जारी किया गया था। अगर आपसे पूछता है या आप देखिए कि प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चंस ही बन जाता है, ऊपर एक लाइन में दे देगा कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में सही कथन है, आपको नीचे 4 कथन या 3 कथन दे देगा, उसमें से एक कथन में लिख देगा कि पहली बार एक कब जारी किया गया था, 2006 में जारी किया गया था। तो याद रखिए पहली बार ये 2006 में जारी किया गया था और यह हर वर्ष अक्टूबर में जारी किया जाता है, यानी कि हर साल ये इंडेक्स यानी कि रैंकिंग दी जाती है। और इसका 2021 यानी कि 2021 संस्करण GHI के 16वें संस्करण को संदर्भित करता है, ये 16वां है, ठीक है। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका भी कोई उद्देश्य होता है, पर्पज तो कुछ भी होता है, तो इसका उद्देश्य है वैश्विक क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना। इसकी अगर हम लोग गणना की बात करें तो इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। इसमें आप देखिए अल्प पोषक, इसमें आप देखेंगे अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या, दूसरा आप देखेंगे चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिसका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। और इसमें तीसरा आप देखेंगे चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें आप देखेंगे 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह कुपोषण को दर्शाता है। और इसमें चौथा आप देखेंगे बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को
ध्यान में रखा जाता है। इन चार आधारों को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इससे भी आप देखिए प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। और आपको बता दूं कि अगर भुखमरी भी आप कहीं भी निबंध लिख रहे हैं या आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप लोग वहां भी आप इनका इन्हें लिख सकते हैं, इनका मतलब उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें स्कोरिंग की अगर हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे चार संकेतकों के मूल्य के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 100 बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है, जिसमें आप देखेंगे 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है और आप देखेंगे 100 को सबसे खराब माना जाता है। इसमें उल्टा है, आपकी परीक्षा एग्जाम में अलग होता है। आप देखते हैं कि आपकी परीक्षा में अगर 99 किसी के नंबर हैं तो वो अच्छी स्थिति में है, यानी कि वो टॉपर कहलाएगा क्लास का। लेकिन इसमें आप देखेंगे, इस मामले में आप देखेंगे अगर किसी के 99 नंबर हैं तो उसकी स्थिति भुखमरी में बहुत बुरी होगी, और जिसके 0 होंगे वो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, प्रत्येक देश के GHI स्कोर को गंभीरता के आधार पर निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक तक वर्गीकृत किया जाता है। आंकड़े संग्रहण की बात करें तो खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अल्प पोषक डेटा प्रदान किया जाता है, और बाल मृत्यु दर डेटा संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टिलिटी एस्टीमेशन UNIGMEE से प्राप्त किया जाता है, और बच्चों की वेस्टिंग और स्टंटिंग के आंकड़े यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व बैंक के संयुक्त डेटाबेस से लिए गए हैं। यहाँ आपके कुछ और संगठनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आप देखेंगे खाद्य और कृषि संगठन की बात की गई है। तो इसके बारे में बात कर लूँ तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे एक और आपका UNIGMEE भी एक संगठन है। अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आप देखते हैं कि UN का ही एक तरह से आप कह सकते हैं भाग है। किसका? UN का। अब आप लोग कहोगे कि UN के बारे में भी बता दीजिए, तो आप सभी को मालूम होगा कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी, ये वही आपका UN है। ठीक है, और एक संगठन और आया है यूनिसेफ के बारे में, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, किसकी? यूनेस्को की। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसीलिए आप जानते हैं कि 7 अप्रैल को आप विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और एक आपका है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अगर इसकी बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 189 देश आपको सदस्य देखने को मिलेंगे, और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब? 1944 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। इस तरह के छोटे छोटे संगठनों से कई बार क्वेश्चंस क्या होता है पूछ लेता है, और कई बार आ जाते हैं ये। और ये संगठन जो रिपोर्ट जारी करते हैं उनके बारे में भी याद रखा करिएगा। क्या रखा करिएगा? याद रखा करिएगा। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें यानी कि मुख्यालय की बात करें तो Washington DC में इसका आप लोगों को मुख्यालय देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वैश्विक परिदृश्य की, तो इसमें आप देखेंगे भुखमरी समाप्त करने के संबंधी कार्यक्रम का निष्पादन बहुत अच्छा नहीं पाया गया, और वर्तमान GHI अनुमानों के आधार पर पूरी दुनिया विशेष रूप से 47 यानी कि 47 देश वर्ष 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहेंगे, यानी कि सफल नहीं रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए कोरोना महामारी का भी इस पर प्रभाव, इस रिपोर्ट पर प्रभाव देखा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता की अगर हम बात करें तो बढ़ते संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसम की चरम सीमा और COVID-19 महामारी से जुड़ी आर्थिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियां भुखमरी के स्तर को बढ़ा रही हैं। दशकों की गिरावट के बाद कुपोषण का वैश्विक प्रसार यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक का एक घटक बढ़ रहा है, और यह बदलाव भूख के अन्य उपायों की विफलता का एक प्रमुख संकेतक हो सकता है। क्षेत्रों, देशों और समुदायों के बीच व्यापक असमानता है, और जिससे सतत विकास लक्ष्य SDG किसी को भी पीछे ना छोड़ने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और आपको यहाँ एक और बात बता देता हूँ, जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं इनको भी सभी को याद रखिएगा, क्योंकि इनसे भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है जब आप आंसर राइटिंग करेंगे,
वहां भी इनका उपयोग होगा, और जब आप लोग निबंध लिख रहे होंगे वहां भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अफ्रीका विशेष रूप से उप सहारा और दक्षिण एशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहां भुखमरी का स्तर सबसे अधिक है। दोनों क्षेत्रों में भूख का स्तर गंभीर बना हुआ है। अब बात आती है भारत की, तो सन 2000 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। और साल 2000 में भारत का GHI स्कोर 27.5 था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 38.8 हो गया है। और GHI का स्कोर गंभीर स्तर माना जाता है। और आपको बता दूं कि आप देखिए कि कम से कम भुखमरी की तो हमारे पास दवाई है। मान लीजिए कोरोना की वजह से लोग मरे, उसकी अलग छोड़ दीजिए, शुरुआत में वैक्सीन नहीं थी, दवा नहीं थी, लेकिन भुखमरी का तो आप देखिए इसका तो इलाज किया जा सकता है। और इसी से आप देखिए साल में लाखों लोग मरते हैं। एक तरह से जनसंख्या में कुपोषित का अनुमान अनुपात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अब अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर है। भारत में चाइल्ड स्टैंडिंग में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। बस 1998-99 के स्तर में आप देखेंगे 54.2% से घटकर या 2016 से लेकर 2018 में 34.37% हो गई है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। भारत के GHI स्कोर में चाइल्ड वेस्टिंग का स्तर 17.3 था, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत बिगड़ा हुआ है। और भारत का स्कोर वर्ष 1998-99 के 17.1 की तुलना में थोड़ा अधिक हुआ है। अब मुझे लगता है कि यही हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या पीछे घट रहे हैं। इस स्कोर के आधार पर भारत का स्थान 15 सबसे निम्नतम देशों में है। और भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों का स्थान भारत से भी पीछे है। पाकिस्तान कितना, 92, नेपाल और बांग्लादेश 76, और श्रीलंका 65 स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप देखिए हमारे पड़ोसियों की स्थिति भी हमसे बेहतर है। भारत के पक्ष की बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट जारी की जाती है, तो भारत सरकार भी हमारी सफाई देती है, कुछ ना कुछ तो कहेगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए दावा किया कि FAO द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली अवैज्ञानिक है, यानी कि इसे गलत ठहरा दिया। सरकार के अनुसार वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट 2021 द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 पर FAO रिपोर्ट ने निम्नलिखित तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया हुआ है। इस रिपोर्ट का मूल्यांकन 4 आधारों पर किया गया है, और यह सर्वे भौतिक रूप से ना कर टेलीफोन के माध्यम से आयोजित किया गया है। तो भारत सरकार ने यह भी सफाई दे दी है, और उन्होंने कहा है कि अल्प पोषण के वैज्ञानिक माप के लिए वजन और ऊंचाई की माप की आवश्यकता होती है, जबकि टेलीफोन सर्वे के दौरान इसमें विसंगतियां पाई गई थी। और रिपोर्ट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी कोविड अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार के बड़े पैमाने पर प्रयास की अवहेलना की गई है, इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। अब आप देखिए भारत द्वारा पहले क्या क्या पहले की गई है, क्या क्या प्रयास किए गए हैं। एक तो आप लोगों ने सुना होगा ईट राइट इंडिया मूवमेंट। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को उचित खाद्य पदार्थों का भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि है। एक आप सुनते हैं पोषण अभियान, इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य स्टैंडिंग अल्प पोषण एनीमिया छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के भी को कम करना है। एक आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई थी और चालू की गई थी, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, और 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। एक आपने सुना होगा फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट, प्रमुख विटामिनों तथा खनिजों जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन ए होगा, विटामिन डी हो गया, कुछ चावल, दूध एवं नमक आदि मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करना, ताकि उनको उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके। एक देखिए खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्सों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है, PDS। आप लोग भी देखते हैं कि गांव में बढ़ता है, आपने देखा होगा। एक आपने मिशन इंद्रधनुष, यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन निवारक रोगों यानी कि BPD
के खिलाफ टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। एक है आपका एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी, और IDS योजना के तहत 6 सेवाओं जैसे पूरक पोषक, पूर्व विद्यालय, गैर औपचारिक शिक्षा, पोषक पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण जांच, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाओं का पैकेज 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान यानी कि दूध पिलाने वाली कराने वाली वाली माताओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो भारत सरकार की तरफ से आप कह सकते हैं कि कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं रिपोर्ट में हमारी स्थिति बहुत बुरी बनी हुई है। इस इंडेक्स में हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं, और अधिकतर इंडेक्स में आप देखिए हम लोग नीचे से ही टॉप करते हैं, हमारी स्थिति बहुत बुरी रहती है। इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकार आती है, बहुत सारी योजनाएं लाती है, कार्यक्रम लाती है, लेकिन देखिए लाना अलग बात हो जाती है, उसका धरती तक पहुंच पाना यानी कि सभी लोगों तक पहुंच पाना, उसका अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो पाना बड़ी मुश्किल होती है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अटल बिहारी और राजीव गांधी के बारे में पढ़ा होगा। वो लोग भी कहा करते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 12 पैसे पहुंच पाते हैं। तो हो सकता है कि देखिए इसे इन योजनाओं को अगर हम लोग सही तरीके से क्रियान्वयन कर सकें, इनका सही तरीके से लागू कर सकें, तो इसमें से हम लोग भी बाहर निकल पाएंगे, हमारी भी रैंकिंग बेहतर हो सकती है। तो यही कहानी है, इनके बारे में याद रखिए, अपने पड़ोसियों के बारे में भी याद रखिएगा, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं।